सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, तो फ्रेंड्स अब बात आ जाता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से होता है, कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स का आपको पूछा जाएगा सेमेस्टर एग्ज़ाम में, कितने तरह का आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, तो वो सब सारा चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिटेल्स करने वाला हूँ। जो कि एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो सारा चीज़ का मैं वेटेज में बता देता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स का आपको पूछा जाता है, ताकि उस तरह से आप एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे तो उसी तरह से आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले रहिएगा, सारा आपको इन्फॉर्मेशन बिहार इंजीनियर से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बात आ जाता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो जो सेमेस्टर आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा, जो बीयू से अफिलेटेड है, यानी कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड, बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो सभी में इसी तरह से लागू होता है। जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मैं बात करूँ तो आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, असाइनमेंट टेस्ट एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कि चार एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको मेनली दो जो एग्ज़ाम होता है आपको कंपलसरी होता है वो आपको नहीं देते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट देने से कोई आपको फ़ायदा नहीं है। तो एक्सटर्नल जो होता है उसको इंड सेम भी बोलते हैं, जो कि आपको यूनिवर्सिटी बीयू लेती है। इंटरनल एग्ज़ाम जो कि मिड सेम होती है, जो कि आपको कॉलेज खुद लेती है, जितना आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी में से आपको लिया जाता है। वो अभी मैं बताऊंगा कि कितना मिड सेमेस्टर में कितना मार्क्स का होता है और इन सेम कितना मार्क्स का होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि लैब होता है, लैब जब करिएगा, जो भी कॉलेज मिले होंगे तो जो भी आपका ब्रांच होगा उस ब्रांच से रिलेटेड लैब कराया जाएगा, तो उसका भी एग्ज़ाम होता है। असाइनमेंट टेस्ट यानी टेस्ट होगा वही उसमें इंक्लूड होता है, यानी कि असाइनमेंट टेस्ट होता है। तो कुछ इस तरह से है, लेकिन जिसमें मेनली एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी मिड टर्म और इंटर्न, ये दोनों पर 100% आपको ध्यान देना होगा। यही दोनों आपको मेनली एग्ज़ाम होता है, ये सब तो अंदर की बात है। चलिए अब मैं बता देता हूँ पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कि किस किस तरह से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को मैंने लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पर थियोरिकल सब्जेक्ट है। क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको 150 मार्क्स का होता है, और जो थियोरिकल सब्जेक्ट है वो 100 का होता है। पहले इसको हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं थियोरिटिकल सब्जेक्ट के 100 मार्क्स के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको दो तरह से है, एक आपका थियोरिकल है जो कि 100 मार्क्स का होता है, और प्रैक्टिकल में भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको 50 मार्क्स का होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि थियोरी 100 मार्क्स का रहेगा, उसमें आपको मिड टर्म और इन टर्म होता है। जो कि मिड टर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कॉलेज खुद लेगी, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के थियोरी वाला 100 वाला में आपको मिड सेम और इन सेम होगा। जो कि मिड सेम आपको 30 मार्क्स का होता है और इन सेम आपको 70 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला में, जो कि अभी मैंने बता रहा हूँ। उसी में मिड सेम जो होती है आपको जो 30 मार्क्स का होता है क्लास टेस्ट होता है और असाइनमेंट होता है। क्लास टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा, जितना आपको पढ़ाया जाएगा यानी प्रैक्टिकल में दिया जाएगा वही आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, और असाइनमेंट में आपको 10 मार्क्स रहेंगे। उसमें भी 10 मार्क्स में आपको 5 मार्क्स आपको असाइनमेंट रहता है और 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस का होता है। तो आपको 75% अटेंडेंस देना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज आपको 5 मार्क्स आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो आप 75% अटेंडेंस जरूर लगाना। उसके बाद है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 150 मार्क्स वाला के प्रैक्टिकल में, 50 मार्क्स वाला में, तो उसमें है आपको एक्सपेरिमेंट और सीट प्रोजेक्ट 5, यानी एक्सपेरिमेंट आपको जितना भी आपको कराए जाते हैं, यानी कि 6 मंथ का सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसमें जितना भी एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, इस तरह से जितने भी करवाए जाएंगे वो 30 मार्क्स का रहेगा। और सीट प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे कि आपको फिजिक्स लैब हो रहा है तो फिजिक्स में आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि इतना आपको लाना है, ये फाइल बना के लेना है, वो आपको 20 मार्क्स का होगा। किसमें? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 150 वाला में, जिसमें कि प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। उसके बाद है
जो कि आपको एक्सपेरिमेंट जो भी आपको दिया जाएगा जब आपका एग्जाम होगा उसमें से ओरल वाइवा लिया जाता है, यानी कि जितना भी एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा तो वो आपको बताना होगा ओरल में यानी कि वाइवा में कि आप इससे क्या समझे, वही आपको वाइवा इंटरव्यू जो भी बोल सकते हैं वो होता है। ओके, अब समझ गए होंगे कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 150 मार्क्स में क्या क्या आपको होने वाला है। आपका सेमेस्टर एग्जाम नज़दीक आएगा, मैं फुल आपको वीडियो हर चीज़ पर मैं टॉपिक बाय मैं बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से कितना वेटेज में आ रहा है, एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या है, तो ये सारा मैं बताता रहूँगा, इस चैनल को फॉलो करते रहना। उसके बाद है थियोरेटिकल सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क्स में ओनली थियोरी रिटेन आपको लिखना होगा, जो कि मिड टर्म जो है 30 मार्क्स का होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 30 में आपको क्लास टेस्ट यानी कि जो भी आपका पढ़ाया जाएगा उसमें से आपको 20 मार्क्स रहेगा, 10 आपको अटेंडेंस और 5 आपका जो कि असाइनमेंट का, यानी टोटल 5 5 हो गया 10, यानी असाइनमेंट हो गया 10। तो मिड टर्म आपको 30 मार्क्स का होता है और आपका एक्सटर्नल जो इंड सेम यानी कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेगी आपको 70 मार्क्स का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल आपको किस तरह से आपको सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न है, यानी कि आपको दो तरह का हो गया, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो कि 150 मार्क्स का और थियोरेटिकल सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क्स का। उस तरह से आपको नीचे में मैंने बता दिया कि मिड टर्म और इन टर्म क्या होता है, भाईवा किस तरह से एक्सपेरिमेंट का आपको मार्क्स मिलेगा, अटेंडेंस का हो गया, असाइनमेंट का हो गया। तो कुछ इस तरह से आपका जब सेमेस्टर आपको फॉलो करना होगा, इस तरह से आप करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। और जैसे जैसे आता जाएगा आपको नज़दीक, मैं सारा पर वीडियो मैं बनाता रहूँगा, तो आप फॉलो करते रहिए, बस आपको यही चीज़ें हैं। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम आता है तो मैं सारा अपडेट देता रहूँगा, कब आपको रजिस्ट्रेशन होगा, कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे तो मैं बता दूं कि फरवरी या मार्च तक आप लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।